हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हार्डे विनबर्ग लॉ। इसे हम हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीन्स एंड एलील्स ऑफ अ पॉपुलेशंस जीन पूल remain constant generations after generations unless acted upon agents other than sexual reproduction, sexual recombinations। तो कहने का मकसद यहाँ ये है कि किसी कोई पॉपुलेशन है हमारे पास, उसमें जितनी भी उसका जीन पूल है उसमें जीन्स और एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, उस पर कोई फैक्टर्स जब तक जो है वो असरअंदाज ना हो। तो ये लॉ जो है, ये दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, एक हार्डे है और दूसरा जो है वो विनबर्ग है। इन दो साइंटिस्ट ने जो है ये लॉ जो है वो दिया था हमें, सेपरेटली ये काम कर रहे थे दोनों। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसीज और अलील फ्रीक्वेंसीज। तब उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो क्या करते हैं, जीन फ्रीक्वेंसीज और अलील फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते हैं, जिससे हार्डे विनबर्ग लॉ जो है, हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास क्या है, म्यूटेशन है। तो स्टूडेंट्स, म्यूटेशन जो है ये चेंज लेके आती है, ये बिगनिंग है किसी चेंज की। तो ये किसी अलील में, किसी जीन में चेंज लेके आती है, जिससे जो है वो जीन फ्रीक्वेंसीज और अलील फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ जाती है। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है जो जीन फ्रीक्वेंसीज और अलील फ्रीक्वेंसीज में चेंज का सबब बनता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है हमारे पास माइग्रेशन। तो माइग्रेशन जो है कि किसी पॉपुलेशन में कोई और इंडिविजुअल आ गए या वहां से कोई माइग्रेट कर गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे भी जीन पूल की जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, जो अलील की फ्रीक्वेंसी है, उसमें चेंज आ जाएगी, या कुछ इंडिविजुअल्स के आने से उसमें कुछ जीन ऐड अप हो जाएंगे। अगर वहां से कोई पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल चले जाएंगे तो अपने साथ वो खास किस्म के जीन्स और अलील्स को भी लेके चले जाएंगे। तो ये दो फैक्टर्स हो गए हमारे पास जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, जीन फ्रीक्वेंसीज को और अलील फ्रीक्वेंसीज को। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, बाज दफा जीन लोकस पे, क्रोमोसोम का जो लोकस है जिस पे जीन मौजूद है, उसमें बाई चांस जो है वो चेंज आ जाती है अलील में। इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, काज करता है चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज और अलील फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसका नाम है हमारे पास नॉन रैंडम मेटिंग। ये नॉन रैंडम मेटिंग है, पहले तो रैंडम मेटिंग देख लें। एक पॉपुलेशन है उसके इंडिविजुअल रैंडमली मेटिंग करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उससे जीन्स और अलील जो हैं वो सेम रहते हैं। अब अगर उसमें ग्रुप्स बन गए, सेट्स बन गए, उसमें डिफरेंट सेट्स हों जिसके अंदर लिमिटेड जो है वो मेटिंग हो रही हो, तो वो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो जीन फ्रीक्वेंसीज और अलील फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करता है। उसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास, लास्ट फैक्टर है, वो है हमारे पास सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या स्टूडेंट, सिलेक्शन जो है वो टू टाइप्स की है हमारे पास, एक होती है नेचुरल सिलेक्शन और एक होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो ह्यूमंस करते हैं, जैसे सिलेक्टेड वराइटीज को हम आगे लेके चलते हैं, उससे कुछ वराइटीज रह जाती हैं, कुछ जो है वो डोमिनेट करती हैं।
नेचुरल सिलेक्शन नेचर की तरफ से होती है, जिसमें जो है वो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्या किया जाता है, आगे जो है वो नेचर जो है वो सिलेक्ट कर लेती है। तो इस तरह से अगर सिलेक्शन होगी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उससे भी किसी पॉपुलेशन के जीन फ्रीक्वेंसीज और अलील फ्रीक्वेंसीज को वो चेंज लेके आएगी, इफेक्ट करेगी। तो ये हार्डे विनबर्ग लॉ की स्टेटमेंट हो गई, किसने उसे पेश किया, किसने पुट फॉरवर्ड किया, और फैक्टर्स हो गए जो जीन फ्रीक्वेंसीज और अलील फ्रीक्वेंसीज को इफेक्ट करते हैं। तो ये 5 फैक्टर्स हैं हमारे पास इम्पोर्टेंट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।